सितारों को उनके नाम के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन यह उनकी चमक है जो ब्रह्मांड को आश्चर्यचकित करती है कि वे कौन हैं या उनकी असली पहचान क्या है। ऐसे ही कमाल के स्टार और शानदार अभिनेता है मनोज जोशी। मनोज जोशी का जन्म 3 सितंबर 1965 में हिम्मतनगर गुजरात में हुआ था। जोशी के पिता नवनीत जोशी भी एक अभिनेता थे और उनके भाई राजेश जोशी भी एक बेहतरीन अभिनेता थे। दुर्भाग्य से 1998 में राजू जोशी का निधन हो जाने के कारण उनका फिल्मी सफर छोटा रहा। मनोज जोशी 1999 में आई आमिर खान स्टारर फिल्म सरफरोश से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जहां उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई। उन्होंने जाने मन, हंगामा, देवदास, फिर हेरा फेरी, भूलभुलैया, हलचल, भागम भाग, गोलमाल जैसी लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय किया है। मनोज जोशी जहां ज़्यादातर हिंदी उद्योग में काम करते हैं, वही उनका प्रदर्शन अन्य क्षेत्रीय फिल्मों में भी देखा गया है। इसके अलावा उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है और टेलीविजन दुनिया में अपने अद्भुत प्रदर्शन से कई लोगों का दिल जीता है। सौभाग्य से वह विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों के विजेता है। 2018 में उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार जीता और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी बने। इसके अलावा उन्होंने 2017 में फिल्म दशक्रिया के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। वही बात करें उनके निजी जीवन की, तो उनके पिताजी नवनीत जोशी जाने माने कीर्तनकार थे और उनके भाई राजेश जोशी ने सरफरोश फिल्म में बाला ठाकुर का किरदार निभाया था। उनकी पत्नी प्रीति जोशी भी एक प्रसिद्ध टेलीविजन प्रोग्राम डायरेक्टर है। उनका बेटा धर्मराज जोशी भी अपने पिता से एक्टिंग की बारीकियां सीख रहा है। बात करें उनके